गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। चलिए, नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज। आज कम क्यों है बच्चे? सर एक मिनट, उन्हें मैं अभी किसी को फोन लगा। अच्छा, फोन लगा रहे, लगाओ। गुड आफ्टरनून सर। आ गए क्या सब? अभी भी नहीं आए? हाँ, सर वो मे है बी डाउट जनता। क्लियर करने के लिए गए हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? सर आज एकदम से लिंक आ गए यस थे। सर। अच्छा, आज एकदम से लिंक आ गया। मेरी क्लास का या किसी और क्लास का? बायो का ही। अच्छा, बायो का। अच्छा, तुम लोग भी तब तक अपने डाउट्स कुछ हैं तो क्लियर कर लो। कोई डाउट्स? नो सर। सारी चीजें समझ आ रही है? यस सर। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नो सर। चलो आगे चलते हैं। चलें या वेट करें? कुछ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना वेट करेंगे। स्टार्ट ही कर देते हैं, वैसे भी इट्स 3:21 ऑलरेडी। चलो तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था अबाउट रेस्पिरेशन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन अगेन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा पार्ट एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? चलिए, क्या जानते हैं आप प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, बताएं। सर जो हमारे बड़े प्लांट होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम के जरिए होता है, और छोटे प्लांट्स में वो डायरेक्टली किया जाता है, मतलब थ्योरीज के जरिए। ठीक है, और एनीथिंग एल्स जाइलम फ्लोएम के बारे में कुछ? सर जाइलम पूरी तरह डेड होता है उसके एक पार्ट को छोड़ के, बाकी और फ्लोएम पूरी तरह लिविंग होता है उसके एक पार्ट को छोड़ के। वेरी गुड। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। शॉर्ट डिस्टेंस क्यों बोला गया? ये हो रहा है एक ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में, सेल टू सेल। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस होगा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, जैसे लीव से रूट्स, रूट से लीव्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ
डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस यस सर ठीक है नेक्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो होगा विद हेल्प ऑफ वास्कुलर टिश्यूज वास्कुलर टिश्यूज प्लांट्स के अंदर दो टाइप के होते हैं कौन कौन से जाइलम फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस देखो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ है पहले यस सर क्या होता है ऑस्मोसिस प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट लो कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हम लोग सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे समझ आ गई इतनी बात यस ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनना आगे की कहानी होता क्या है यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन यही होगा अब इमेजिन करो आपके पास दो कंटेनर्स हैं एक के अंदर वाटर है ज्यादा मान लो 100 ml एक के अंदर वाटर है 10 ml वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा 100 से 10 की तरफ 100 से 10 की तरफ दोनों में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया 10 ग्राम्स सॉल्ट अब क्या होगा कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा कौन सा डाइल्यूट होगा 10 ml वाला कंसंट्रेटेड होगा और 100 ml वाला डाइल्यूट ठीक है तो ए इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड बी इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यही होगा या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन को नाम देते हैं हाइपोटोनिक एंड दिस इज नेम्ड हाइपरटोनिक क्लियर यस सर तो आपके पास दो टाइप के सॉल्यूशंस हाइपो एंड हाइपर एक चीज हमेशा याद रखना वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन हाइपो से हाइपर हाइपो के अंदर वाटर ज्यादा है हाइपर के अंदर वाटर क्या है लेस है कम है डिफरेंस समझ आ रहा है यस सर ठीक है तो दिस इज हाइपो एंड हाइपर टॉनिक सॉल्यूशंस क्लियर यस सर अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो वो प्रेशर रिलीज करते हैं ऐसे कुछ तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे जिससे जो वे से वो ट्रैवल करते हैं उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर देखो इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से समझते हैं ये दिख रहा है सबको यस सर देखो यहाँ पर आपके पास एक चेम्बर है ये ग्रीन कलर में इसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस है एक है 3M सॉल्यूशन एक है 5M सॉल्यूशन ठीक है यानी 3M वाला क्या हो गया आपका हाइपो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एंड 5M विल बी हाइपरटोनिक वाटर हमेशा कहां से कहां जाता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक हाइपो से हाइपर तो ये होगी मूवमेंट की डायरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की यस सर यस सर अब वाटर मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं
ये पिस्टन मैंने 5 m की तरफ लगाया है, ये पिस्टन का मूवमेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा? सर ऊपर की तरफ। ऊपर। ये पिस्टन जाएगा ऊपर, राइट? यस सर। समझो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर पिस्टन मूव कर रहा था इसको नीचे की तरफ पुश किया विद द प्रेशर। इससे क्या होगा? वाटर चेंबर जगह में जाने लगेगा। क्या होगा इससे? देखो इससे क्या होगा, ये जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे, जाने लगे, कम हो जाएंगे, ये मूवमेंट धीरे धीरे स्टॉप होता जाएगा, होगा? ओके सर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑस्मोसिस का रेट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस पूरी तरह से बंद हो गया जिस प्रेशर के ऊपर, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक। समझ आ गई? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को रोकने पर, रोकने वाला जो प्रेशर होता है, एक अपोजिंग प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये तो मैंने पिस्टन लगाया इसलिए प्रेशर डेवलप हो। नॉर्मली क्या होता है, यहां पर क्या होते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। यस। बात समझ में? तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है OP इज इक्वल्स टू CRT, वेयर आर इज कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर एंड सी इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। सो व्हाट वी कैन से इज ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, राइट? यस सर। इतना समझ आ गया? यस सर। नाउ आई हैव 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स एंड हैलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में ग्रो कर रहे हैं, मेसोफाइट्स फर्स्ट नॉर्मली कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, ज़ेरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स, हैलोफाइट्स मैंग्रोव जो हाई सैलिनिटी में ग्रो करते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आपको डिटरमाइन करना है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर। What will be the order? हेलो फाइट कहाँ पे ग्रो कर रहा है? मैक्सिमम किस में होगा? हेलो फाइट कहाँ पे ग्रो करता है? हेलो फाइट हाईली हाई सेलिन जो सेलाइन कंसंट्रेशंस होती है। यस सर। जैसे मैंग्रोव्स होते हैं वो स्वैम्पी रीजंस में ग्रो करते हैं। तो सर सबसे ज्यादा तो फिर हेलो फाइट का ही हो जाएगा। ज़ेरोफाइट का भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें वॉटर बहुत कम है, तो कंसेंट्रेशन भी तो ज्यादा ही होगा। और सबसे कम कहाँ होगा? हाइड्रोफाइट्स में। देखो ये इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको दिए हुए हैं। हाइड्रोफाइट्स में सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्योंकि वहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सबसे मिनिमम है। इसके बाद आते हैं मेसोफाइट्स, ना ज्यादा पानी ना कम पानी, मॉडरेट कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको मॉडरेट ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। इसके बाद आते हैं आपके ज़ेरोफाइट्स जहां पर पानी तो कम है लेकिन साथ ही साथ सॉल्ट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, कम है, ठीक है। हेलोफाइट्स के अंदर पानी तो कम है ही, सॉल्ट आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है,
ज्यादा है। आई बात समझ में? यस यस सर। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो तो कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो जल्दी से। नोट कर लिया। बाकी लोगों ने कर लिया? थोड़ा नीचे करना। यस सर, हो गया। हो गया भाई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट प्रेशर जो आता है आपके पास वो आता है टर्गर प्रेशर। नाउ व्हाट इज टर्गर प्रेशर? कौन बताएगा? सर, सेल के टर्जेट होने के बाद जो प्रेशर लगे। देखो, स्टोमेटा खुल जाता है अगर टर्जेट, मतलब पूरा सेल बड़ा होता है तो उसे भी टर्जेट ही कहते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, सबसे पहले टर्जिडिटी समझते हैं क्या होता है। एक सेल है, मैंने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, ठीक है, क्या होगा? टर्जिड हो जाएगा। एंडोस्मोसिस होगा, ठीक है। एंडोस्मोसिस होने की वजह से क्या होगा? वो टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को निकाल के मैंने रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अब क्या होगा? एक्सोस्मोसिस होने लगेगा, फ्लैसिड हो जाएगा। एक्सोस्मोसिस मिलेगा, सबसे पहले ये होगा प्लाज्मोलाइज्ड, उसके बाद होगा ये फ्लैसिड। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नॉर्मल स्टेट ऑफ सेल जो होती है वो होती है प्लाज्मोलाइज्ड। कैसी होती है? प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि ना ज्यादा पानी ना कम पानी, ठीक है। अब यहां बात करें होगा क्या, जब आप इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हो तो एंडोस्मोसिस स्टार्ट होगा। एंडोस्मोसिस जब हो रहा होगा तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपको सेल नजर आ रहा है, यहां जो ये आपको सेल नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो। जब वाटर की फिलिंग स्टार्ट होगी तो ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगी सेल वॉल के ऊपर। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर। आई बात समझ में? व्हाट इज टर्गर प्रेशर? यस सर। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब आपको पता है कि अगर मैं दीवार पर कोई फोर्स एग्जर्ट करूं तो दीवार क्या करेगी? रिपल। एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट करेगी। यस सर। पढ़ा है ना ये? यस। ठीक है, तो इसी तरह से जब टर्गर प्रेशर सेल वॉल के ऊपर लगता है तो सेल वॉल क्या करती है, उसको रेजिस्ट करने के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल प्रेशर। और इसी की वजह से क्या होता है, वॉल प्रेशर की वजह से सेल का जो शेप है वो मेंटेन्ड है और प्लांट सेल जो होता है वो बर्स्ट नहीं होता। समझ आई बात? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा सेल हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखने पर बर्स्ट होगा, तो वो एनिमल सेल होगा जो बर्स्ट होगा, जिसके पास सेल वॉल है जैसे प्लांट सेल, तो वो बर्स्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। चलो अगला टर्म आता है बच्चों आपका डीपीडी। व्हाट इज डीपीडी? डीपीडी को एक और नाम दिया जाता है सक्शन प्रेशर। नाउ व्हाट इज सक्शन प्रेशर और डीपीडी? देखो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं डीपीडी और सक्शन प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द सेल। मैंने कहा एक सेल का डीपीडी 5 है और एक का 10 है, तो वाटर रिक्वायरमेंट किसके ज्यादा है? 10 वाले। ठीक है, अब देखो मैंने आपके पास यहाँ 3 कंडीशंस ड्रॉ की हुई है। फर्स्ट इज फ्लैसिड, सेकंड इज प्लाज्मोलाइज्ड एंड थर्ड इज टर्जिड। किसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी? फ्लैसिड वाले की। सबसे ज्यादा पानी किसको जरूरत है? प्लास्टिक। जो टर्जिड है पहले से ही, उसके पास वाटर रखने की जगह ही नहीं है, वो पहले से ही क्या है, टर्जिड है। तो यहां पर आपको वाटर की नीड नहीं है, इसलिए डीपीडी किसका कम होगा? टर्जिड का। ठीक है, तो दिस इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। चलो बहुत इजी चीज है। अच्छा पहले पढ़ी हुई है ये सब या नहीं पढ़ी? डीपीडी नहीं पढ़ा, टेंशन वगैरह इतना नहीं पढ़ा। चलो बात करते हैं। अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, ये आपका सेटअप। इसके अंदर आपको डीपीडी वैल्यूज दी हुई है ऑफ ए बी एंड सी। आपसे पूछा कि वाटर कहां से कहां जाएगा, आपको एरोस की फॉर्म में डायरेक्शंस डिनोट करनी है। कैसे करोगे? तो जिसकी तरफ कम है उसकी तरफ जाएगा, जैसे 15 से 5 की तरफ जाएगा, 15 से 10 की तरफ भी जाएगा, उस कमी है तो उसकी तो वो देंगे वो। अब समझो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उसको ज्यादा पानी चाहिए। समझ आ रही बात? Yes. यानी कि सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए इन दोनों सेल्स में से? फिफ्थ वाले, सॉरी तीनों सेल्स में से कितने किसको चाहिए? सी वाले को। बी को, बी को सर। ठीक है, नहीं 15 है। अरे बेटा सी का कितना नजर आ रहा है? 15। फिर तो मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी हुई? सी की होगी। तो सबसे ज्यादा पानी इसको किसको चाहिए? सी। तो सब ए और बी पानी किसे देंगे? सी। सी, ठीक है। अब नेक्स्ट आया के ए और बी में डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी? B to A। अगली बात समझ में? Yes. यहां तक कोई दिक्कत? No sir. चलो मोमेंट कहां से कहां होगा फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी? समझ आया? अब देखो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस द टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब कई बार होता है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ओपी और टीपी का वैल्यू दिया हुआ है। ओपी और टीपी वैल्यू दिख रहा है?
यस सर। ठीक है, तो ओपी और टीपी वैल्यूज आपको दिए हैं। आपसे पूछा कि वाटर की फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ए और सी वी को देंगे। अब करो सर, ए और सी तो बी को देंगे, बी को देंगे, और सर सी ए को देगा, सी से ए आएगा। इजी है कैलकुलेशन। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सेल में, वाटर की नीड सबसे किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। यहां तक बात क्लियर? यस सर, यस सर। कुछ नोट डाउन करना है? करना है तो जल्दी से कर लो। थोड़ा सा नीचे करना। क्या थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। यस सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। हो गया? यस सर। चलो क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लो दोनों। हो गया। चलें आगे। चलिए, yes, तो अगला टर्म आपके पास आता है वाटर पोटेंशियल। देखो बच्चों, डीपीडी जो हमने हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अब जब उसी चीज को हम लोग एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में जब हम इसको बात करेंगे तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। समझ आई बात? यस सर। चलो अब वाटर पोटेंशियल को समझना कैसे उसको देखते हैं। मैंने कहा आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है इट इज ई, ओके सर, ठीक है, और आपके पास एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी हुई? एनी एनी एन ई, यही हुआ? यस सर, यस सर। अब मैंने कहा के Ne जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है जीरो। कितना होता है? जीरो। जीरो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो वो नेगेटिव में जा सकती है। यस, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने कहा कि जो प्योर वाटर होता है इसका
वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? जीरो. जीरो. यानी कि अब बचे हुए जितने भी हैं वो सब वैल्यूज किस में होंगे? नेगेटिव. नेगेटिव होंगे. यस सर. चलो अब नेगेटिव में वैल्यू जाएगा कैसे? मैंने आपसे कहा कि आपके पास एन ए वाटर मॉलिक्यूल्स है, या तो मैं एन को कम कर दूं या मैं ई को कम कर दूं, दोनों ही केस में क्या होगा? वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. सिंपल. यस सर. ठीक है. अब वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, कंडीशन देखो. पहली मैंने कहा कि आपके पास एन ई मॉलिक्यूल्स है, मतलब एन ई टोटल एनर्जी है, मैंने इसमें बहुत सारा सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या होगा? सर वो जो वाटर है अपन, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेने लगेंगे. देखो जैसे ही सॉल्यूट ऐड करोगे, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होंगे. यस सर. होंगे. अब yes, जब ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते जा रहे हैं सॉल्यूशन में? कम होते जा रहे हैं. कम होते जा रहे हैं. यानी आपका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम हो जाए. आ रही बात समझ में? यस यस सर. नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन में तो वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो रहे तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा. समझ आ रही है बात? यस सर. यस सर. थर्ड रूट प्रेशर. रूट प्रेशर पता है तुम लोगों को क्या होता है? सर रूट के जो हम पानी डालते हैं रूट्स में, तो रूट एक प्रेशर लगाते हैं जिससे वो रूट्स से वो मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर तक पहुंच जाएं. अच्छा ठीक है. अब मुझे ये बताओ इसकी वजह से n की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आ रहा है? बढ़ रही है. वो बढ़ रहा है यानी आपका साई डब्ल्यू भी बढ़ेगा. बढ़ेगा. इज इट क्लियर? यस सर. यहां तक कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. समझ आ गई बात? यस सर. यस सर. चले तो ये है आपका वाटर पोटेंशियल. क्या क्लियर है आप लोगों को? यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. नो. चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट अगर करना है तो. आगे चलें. कर दिया नोट. अब देखो एनसीईआरटी जब अगर पढ़ते हो तो वहां पर लिखा होता है रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर, ट्रांसपिरेशन इज अ नेगेटिव प्रेशर. ऐसा क्यों लिखा होता है? कोई बताएगा? सर रूट प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है और जो ट्रांसपिरेशन है वो कम कर रहा है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव. आपकी आवाज नहीं आ रही.
ये सर लैग कर रही है। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। चलो तो मैं ये पूछ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर, कोई बताएगा? पॉजिटिव प्रेशर वाला प्रेशर जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाए। देखो, जो कोई भी प्रेशर, कोई भी फैक्टर अगर वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा है तो वो होगा नेगेटिव प्रेशर, और अगर वो उसे बढ़ा रहे तो वो होगा पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर, इज इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट टर्म आता है आपके पास, इम्बिबिशन। व्हाट इज इम्बिबिशन? सर आपकी वॉइस अब वापस से बहुत ज्यादा ही लैग हो रही है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बहुत ज्यादा लैग हो रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। एक मिनट। आ रही है अब? यस सर। यस सर। चलिए तो देखो, अब बात करते हैं हम लोग इम्बिबिशन की। इम्बिबिशन के बारे में पहले पढ़ा है? नो सर। देखो, व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन तुम लोगों ने अपने घर में कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा, जब भी बारिश होती है तो वुडन डोर्स के अंदर क्या होता है? तो वो फूल जाते हैं। फूल जाते हैं, क्यों फूल रहे हैं, कोई रीजन है? तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो एड्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पता है सबको? आप एडसॉर्प्शन बता दीजिए एक बार। देखो, जब तुम लोगों ने, मैंने दो एग्जांपल लिए, एक लिया चॉक, एक लिया स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को पानी में डुबोया, क्या होगा? पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी बॉडी के अंदर वाटर होगा, फूल जाएगा। ठीक है, मैंने चॉक को डिप किया, क्या होगा? मेल्ट हो जाएगी, पानी मिलने लगेगी उसको समय पर। डिप करके वापस निकाल लिया, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा।
वेट रहेगी बस, ठीक है, वो उसकी आउटर सरफेस केवल वेट रहेगी, अंदर से वो क्या रहेगी? ड्राई, 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 यानी वाटर जो है वो केवल उसकी सरफेस के ऊपर चिपका, उसके अंदर एंटर नहीं हुआ। यस सर, आ रही बात समझ में? तो जब सरफेस के ऊपर स्टिक हो रहा है, सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है और बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफरेंस क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए, अब एड्सॉर्प्शन होता क्या है? तो वो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग सब्सटेंसेस। ये होते हैं आपके सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, अगार, ये सब क्या है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कॉलर। जैसे आपको पता है कि सेल वॉल प्लांट्स की बनी होती है सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज की, तो वो क्या करेगी? वाटर के अपने ऊपर एड्सॉर्ब करेगी। ठीक है, यस सर। अब देखो, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन आपको कॉमनली देखने को मिलता है, अभी मैंने वुडन डोर्स का जो तुम्हें एग्जांपल दिए, इसके अलावा जो सीड्स होती हैं, सीड कोड जो होता है आपको पता, काफी हार्ड होता है। कभी कच्चा चना चबा है? हाँ सर, खाया है। हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है सर, बहुत। अब सोचो उसमें से एक डेलिकेट सा प्लांट निकलेगा, कैसे निकलेगा? तब जब उसकी वॉल थोड़ी वीक हो जाए तब जाके। वॉल वीक नहीं होती है, वॉल इम्बिबिशन की वजह से क्या होती है? ब्रेक होती है, ठीक है। इम्बिबिशन की वजह से, इम्बिबिशन का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। देखो, जब हमारे पास बड़े बड़े टूल्स नहीं थे, तो जो प्रिमिटिव लोग थे, अर्ली मैन जिनको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करते थे? कोई भी, जैसे मान लो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उनको पीसेस में ब्रेक करने के लिए, जैसे ये कोई बड़ा रॉक है, उसको पीस में ब्रेक करने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे क्रेविसेस बनाते थे, ठीक है, कैविटीज बनाते थे, और कैविटीज के अंदर वाटर फिल कर देते थे, और वाटर फिल करने के बाद उसमें लगा देते थे क्या? वुडन लॉग्स। अब क्या होगा? जो वुडन लॉग है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वो स्वेल होगा, होगा? यस सर। अब स्वेलिंग की वजह से क्या होता था? इसके अंदर क्रेविसेस बनना स्टार्ट होते हैं, दरारें बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। दिस इज बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन प्रेशर। तो आप सोचो, इतने बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक कर सकता है, इतना होता है इम्बिबिशन प्रेशर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, एक और जगह एक काम आता है। वाटर जब रूट के पास आ रहा होता है, तो ये रूट हेयर्स, तो वाटर जब रूट के पास आ रहा होता है तो ये इस तरह से स्टिक होता है सबसे विद द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन। उसके बाद इसको जाइलम वेसल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। समझ आई बात? तो पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर एब्जॉर्ब, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो जल्दी से। अच्छा, मैं गटेशन भी पढ़ा देता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज गटेशन? देखो, दो टर्म्स हैं, गटेशन एंड ब्लीडिंग। तुम लोगों ने ब्लीडिंग देखा होगा इन द केस ऑफ व्हाट? रबर प्लांट। रबर प्लांट देखा है सबने? यस सर। मतलब देखा है इन द केस कि कहीं भी ऑनलाइन टीवी वगैरह में, डिस्कवरी वगैरह पे, कैसे वाटर रबर प्लांट से रबर निकाला जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, वो एक कट लगाते हैं जिस कट से
सैप बाहर आना स्टार्ट होता है, यही होता है? यस सर। तो जब भी कोई इंजरी हो रही है प्लांट को और उससे सैप बाहर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। ठीक है। और घास के ऊपर सब लोग चलें। यस सर। घास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है? गीली होती है, खासकर इवनिंग आवर्स में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठीक है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में वो ज्यादातर आपको क्या दिखेंगी? वेट दिखेंगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर वो गार्डेशन करती है, उसके वाटर ड्रॉप को रिलीज करती है। देखो गार्डेशन मतलब क्या होता है, हमने कहा रूट प्रेशर एक प्रेशर होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब जो छोटे प्लांट्स होते हैं इनके अंदर रूट प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, इनके अंदर रूट प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे टिप्स होते हैं लीव्स के, जिनको बोलते हैं हाइडथॉर्ट्स। क्या बोलते हैं? हाइडथॉर्ट्स। तो ये हाइडथॉर्ट से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आई बात? यस सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो ये आपका गटेशन, ब्लीडिंग, इम्बिबिशन, नोट डाउन कर लो। नोट हो गया। नोट कर लिए। चलें आगे। यस सर। तो देखो यहाँ खत्म हुआ आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों, वो होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर और मिनरल्स का। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड और हार्मोन्स का। ठीक है, ज्यादातर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक फूड ही। ठीक है, अब साइलम जो है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट आपको पता है वाटर का सोर्स क्या है? रूट से मिलेगा। रूट से ही मिलेगा क्या? इसका फ्लो लीफ से रूट हो सकता है कभी? नो सर। नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा? रूट टू लीफ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल मतलब हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। यस सर। अगला फ्लोएम। देखो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा कि अभी दिन का टाइम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में होता है, यानी लीफ फूड बना रहे हैं। अब ये फूड बनाकर किसको देंगे? दूसरे पार्ट्स को। दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाएंगे। तो दूसरे पार्ट्स तक जब ये पहुंचा रहे हैं तो ये हो गया एक डायरेक्शन। अब हो गई रात, अब खाना नहीं बन रहा है, अब क्या करें? स्टोर फूड को यूज करेंगे। यानी उसको कहां से उठाएंगे? रूट्स या जो भी जहां स्टोर हमने किया हुआ है, और उसको लेकर जाएंगे टू दी लीफ। समझ आई बात? यस सर। कंसेप्ट क्लियर है? लीफ तक, लीफ में क्यों लेके जा रहे हैं जो फूड स्टोर है? फूड की जरूरत नहीं है क्या?
सर बाकी पार्ट्स को भी तो है, सबको बाकी पार्ट्स में भी जाएगा वो तो। मैंने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले क्योंकि लीफ लिया इसलिए मैंने उसको वापस लीफ लिया। ओके सर ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कंसेप्ट समझ आ रहा है? यस सर। यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल? यस सर। चलो नेक्स्ट आता है आपका जाइलम ट्रांसपोर्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो देखो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की। सबसे पहले कहा कि दो टाइप के प्रेशर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जाइलम ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं भाई? उन्होंने कहा एक हो सकता है आपका पुशिंग प्रेशर, एक हो सकता है पुलिंग प्रेशर। ठीक है भाई, पुशिंग और पुलिंग के बारे में बताओ। तो पुशिंग प्रेशर वो था कौन सा? रूट प्रेशर। कौन सा था? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। तो देखो यहां पर आपके पास ये जो रूट प्रेशर था ये क्या कर रहा था? वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश करने का काम कर रहा था। ठीक है, हमने इसके पुश करने का प्रेशर चेक किया तो हमें पता लगा कि ये प्रेशर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा छोटे डिस्टेंसेस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 20-20 मीटर टॉल ट्रीज है, जो 20 मीटर टॉल ट्री है उस तक रूट प्रेशर तो नहीं पहुंचा सकता पानी। यस सर। क्या किया जाए? उसी थ्योरी लगाई जाए। तो हम लोगों ने पुश की जगह चेक किया पुलिंग प्रेशर। तो हमें पता लगा कि यहाँ एक प्रेशर है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल, जो क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। अब फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पुलिंग हुक कैसे रही है ये भी बताओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, देखो हमारे पास वाटर की दो प्रॉपर्टीज है, कोहेशन एंड अडहेशन। कोहेशन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो एक दूसरे से चिपकते हैं, इसको बोलते हैं कोहेशन। अडहेशन इज ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या होते हैं? चिपकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हमने एक्सप्लेन किया कि देखो ये जाइलम का ट्यूब है, इसके अंदर कोहेशन और अडहेशन की वजह से एक चेन बन रही है वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये चेन की फॉर्म में क्या हो रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। समझ आया? यस सर। यस सर। क्लियर है कंसेप्ट? यस यस। ठीक है, दिस इज ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। अब ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जो है इसमें हम लोग बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप की। किसकी बात करते हैं? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है बच्चों? एसेंट मींस अपवर्ड मूवमेंट, सैप मींस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है? यस सर। तो हम लोगों को पता है कि स्टोमेटा जो है जब खुलेंगे तो स्टोमेटा जब खुलेंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा। यस सर। अब बंद होंगे तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। अब ये खुलते और बंद होते कैसे? सर अगर उसमें पानी भर जाएगा तो वो खुल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, अगर निकल गया तो फिर वो फ्लैसिड हो जाएगा। देखो स्टोमेटा एक पोर है जिसके सराउंडिंग सेल्स को बोलते हैं क्या? गार्ड्स। दे आर सॉरी गार्ड्स उल्टा बोलते हैं। अच्छा एक मिनट के लिए रुकेंगे।
चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगर स्टोमेटा, सॉरी गार्ड सेल्स की बात हो रही थी, गार्ड सेल्स जो हैं ये होते हैं डाइकॉट्स के अंदर कैसे, दे आर बीन शेप्ड, अरे क्या हो गया, ठीक है जैसा आपको दिख रहा है, और यही मोनोकॉट्स के अंदर क्या होते हैं, डंबल शेप, क्लियर है चीज, यस ठीक है। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, तो बच्चों मैंने अभी बताया स्टोमेटा गार्ड सेल्स अगर टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा, अगर यही फ्लैसिड होंगे तो ये क्लोज होगा। अब ये टर्जिड और फ्लैसिड कैसे होते हैं, गार्ड सेल है, गार्ड सेल के पास CO2 आया तो इसने क्या किया, वही पेप, पेप से ऑक्सलोएस्टिक एसिड, ऑक्सलोएस्टिक एसिड से मैलिक एसिड, सी फोर साइकिल में पढ़ा था, yes. अब यहाँ मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया इसने मैलेट आयन और H+ आयन अलग कर दिया, जो H+ अलग हुआ वो बाहर मूव कर जाता है आउट ऑफ स्टोमेटा और उसकी जगह अंदर कौन आता है, पोटेशियम, पोटेशियम। अब आपको पता है एक मेटल आयन है, मेटल आयन जब मैलेट के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट। अब सॉल्ट बना तो इसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ गया, बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, तो गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिड, टर्जिड, टर्जिड हो गया, तो स्टोमेटा ओपन हो गया, ओपन हो गया। अगर इसी को बंद कर दिया तो ये एक्सचेंज बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे वापस, समझ आई बात, यस सर। तो दिस इज K+ H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी, तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझ आ गया, यस सर। चलिए नोट डाउन करो, नोट हो गया, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यस यस सर। चलो अब देखो क्लोजिंग की बात करें
क्लोजिंग मैंने अभी बताया, बंद होता है अगर की प्लस एस प्लस का एक्सचेंज, तो क्या होगा, क्लोजिंग हो जाएगी। और इसको करता कौन है, तो वो करता है ए बी ए, एब्सिसिक एसिड पड़ा है, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। यस सर, उसमें ए बी ए पड़ा है। हाँ सर। ए बी ए क्या करेगा, स्टोमेटल क्लोजिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पेप ऑक्सलोएस्टिक में कन्वर्ट होता है, ऑक्सलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप केज, एक एंजाइम है, ठीक है, जो ये रिएक्शन करवाएगा, एंड दिस इज सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्लू लाइट। किसमें सेंसिटिव होता है, ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो ब्लू लाइट बढ़ेगी तो स्टोमेटा ओपनिंग भी बढ़ेगी, बढ़ेगी, समझ आई बात? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। चलो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, बताओ टेम्परेचर और लाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा, सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, वाटर का लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी है, यानी वाटर के एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो नया वाटर वेपर लेने की जगह नहीं है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही वाटर वेपर्स हवा के साथ उड़ते हुए जा रहे हैं, यानी आपके पास विंड काफी तेज है, उसकी वेलोसिटी है कुछ, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी विंड की, क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी मींस अगेंस्ट, ट्रांसपिरेशन पे काम करेंगे, क्या होगा, एंटी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करेंगे, कम करेंगे, समझ आया? Yes, तो CO2 कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, काफी ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, समझ आ रही है बात? इट इज ऑल्सो एंटी ट्रांसपेरेंट, एन एंटी ट्रांसपेरेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अभी आ रही है? यस सर। नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। बच्चों फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट, आपकी वॉइस लैग कर रही है,
हाँ अभी आवाज है मेरी? यस सर। देखो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर टर्म दिया जाता है ट्रांसलोकेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो सेटअप है। देखो आपके पास है सोर्स। सोर्स वो जगह जहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है या फिर फूड प्रेजेंट है, और सिंक जहां पर फूड को लेकर जाना है। तो आपके पास है सोर्स एंड सिंक। सोर्स में फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बनता है? स्टार्च। ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज आपको पता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, पढ़ा है? यस सर। यस सर। जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। यस सर। वो हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा। यस सर। वो बहुत जल्दी सेल्स के अंदर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। अब सोचो आपके पास ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। अब मैंने ग्लूकोज को फ्लोएम के अंदर ऐड कर दिए तो क्या होगा? तो वो ग्लूकोज जाएगा। जो यहाँ के सेल्स हैं, ये सेल्स, ये ग्लूकोज को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे और ये खुद ही उसको खत्म कर देंगे। यही होगा? यस सर। ऐसा क्यों होना? बिकॉज ग्लूकोज इज केमिकली केमिकली एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या है? जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को भी वो क्या करता है? बढ़ाता है। समझ आई बात? यस सर। एक मिनट। चलिए तो अब प्रॉब्लम समझ आ रही क्या है? यस सर। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो सकता, समझ आ रहा है? अब क्या yes, किया जाए? ग्लूकोज को हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वर्ट करते हैं इनटू सुक्रोज, बिकॉज सुक्रोज इज केमिकली इनएक्टिव, यानी वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। ये ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को तो बढ़ाएगा। तो जैसे ही आप इसे इधर ऐड करेंगे सुक्रोज, तो जाइलम से क्या होगा? ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर इधर आना स्टार्ट होगा। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर कम, तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब सुक्रोज को ऐड करते हैं फ्लोएम के अंदर तो यहाँ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। जैसे ये नीचे आया तो अब इसकी क्या करेंगे हम लोग? अनलोडिंग, यानी कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके अब इसको निकाल लेंगे यहाँ पर। अब अगर
आपको इसे यूज करना होगा तो आप क्या बना लोगे? ग्लूकोज. और अगर आपको स्टोर करना होगा तो आप क्या करोगे? इसको बना दोगे स्टार्च. सबको जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट समझ आया? यस सर. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर. क्लियर है कंसेप्ट? यस सर. चलो नोट डाउन कर लो इसको. यस सर. नोट हो गया. हो गया? यस सर. यस सर. चल आगे बात करते हैं. नेक्स्ट आता है कुछ टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ऑस्मोमीटर काम आता है बच्चों टू मेजर रेट ऑफ ऑस्मोसिस. मैनोमीटर काम आता है टू मेजर रूट प्रेशर. पोरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन. एंड पोटोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड टेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं. कोई दिक्कत? नो सर. नेक्स्ट आता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट. देखो ये सेल वॉल्स हैं और ये मेम्ब्रेन्स हैं. जब ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग पाथवे. ठीक है. दूसरा है एपोप्लास्ट जो सेल वॉल के थ्रू हो रहा है. ये होता है डेड पाथवे. डेड पाथ. इज इट क्लियर? ठीक है. अब नेक्स्ट आपका एनिमल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. नोट डाउन कर लें इसको फटाफट. यस सर. हो गया. चलें आगे. यस सर. चलिए नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. क्या होता है कोई बताएगा? सर ऐसा सिस्टम जहां से ब्लड फ्लो हो रहा हो. हमारी बॉडी के अंदर पाइपलाइंस का एक सिस्टम है, ट्यूब्स का एक सिस्टम है जो पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो सप्लाई करने का सिस्टम है इसको आप लोग क्या बोलते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम. सिस्टम समझ आई बात? यस सर.
अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोजिशन की बात करने से पहले इसके टाइप्स को समझते हैं। इसके टाइप्स जो होते हैं आपके पास होते हैं दो, कितने होते हैं? दो। फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा है जिसमें यहाँ पे कोई ना आपको मतलब कैपिलरीज या कुछ नहीं होता, ओपनली ब्लड फ्लो करता है, इस तरह का ब्लड फ्लो कॉकरोचेस वगैरह में करता है। सिंपली इसको ऐसा रखते हैं कि जहां ब्लड वेसल्स एब्सेंट है वो सिस्टम क्या है आपका? क्लोज्ड। ओपन। और जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो सिस्टम क्या है? क्लोज्ड। क्लोज्ड। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो आपके पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कहा है यहाँ ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। अब ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो क्या होता है? तो यहाँ पर इस तरह से ये सेंट्रली लोकेटेड हार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ ये कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको ब्लड ना बोलकर क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। ठीक है। अब देखो जितने भी टिश्यूज होते हैं इसके वो सारे क्या हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके? यस। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि ब्लड जो है वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर इस तरह से फ्लो कर रहा है और आपके टिश्यूज जो है वो ब्लड के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली नहीं है। यस सर। समझ आ रही है इतनी चीज? क्लियर? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक सिस्टम के अंदर तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है पाइप्स के थ्रू, दूसरे के अंदर एक जगह कैविटी के अंदर ब्लड फिल्ड है, कहां प्रेशर ज्यादा होगा? यहाँ पे पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और ओपन के अंदर कम होगा। समझ आई? यस। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आता है क्वेश्चन, ये मिलते कहां है? तो ओपन आपको मिलता है आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ठीक है, और क्लोज आपको मिलता है एनलीडा यानी कि अर्थवॉर्म्स, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा क्या होता है बच्चों? इट इज अ ग्रुप ऑफ मोलस्का जिसके अंदर आपको मिलते हैं ऑक्टोपस, स्क्विड। इनके अंदर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड। ये एग्जाम्पल्स तो किसके हैं? मोलस्का के ही हैं, लेकिन इनके अंदर सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड। ठीक है। अगला आया कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर भी सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड। क्लोज्ड। क्लियर है सबको? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए टाइप्स ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पहले देख आपके पास कॉर्डेट्स जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम पिसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। यही है? यस सर। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ चेंबर्स। हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? सर
इसके बाद आता है ऑरिकल्स कितने होते हैं, वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इसके बाद आता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। पेसिस के अंदर बात करें तो चैम्बर इज टू, एम्फीबियंस के अंदर होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर थ्री, यहाँ होते हैं फोर। थ्री पॉइंट फाइव हुआ ना? यस सर, 3.5 होते हैं बेटा। 3.5 नहीं होता है, मैं अभी समझाता हूँ उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑरिकल्स कितने होते हैं आपको? एक और एक होता है वेंट्रिकल, यहाँ होते हैं दो दो और एक एक, यहाँ पर होते हैं दो दो एंड दो दो, क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आता है टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ फिशेस के अंदर होता है सिंगल, यहाँ होता है इनकम्प्लीट डबल, सेम यहाँ पर, यहाँ होता है एंड डबल, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर? यस। अब देखो, अब हम समझते हैं सिंगल और डबल सर्कुलेशन को। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन की। देखो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, यहीं पर समझ लेते हैं। आपके पास हार्ट के दो चैम्बर्स हैं, वन इज ऑरिकल एंड द अदर वन इज वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल ब्लड को एक्सेप्ट करेगा और वेंट्रिकल पंपिंग करेगा, ठीक है। वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है टू दी गिल्स, गिल्स से ब्लड जाता है टू दी बॉडी, और बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, टू दी ऑरिकल। ऑरिकल, अब इस फ्लो को समझो। गिल्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 बाहर जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। बॉडी के पास कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, वापस कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट को टोटली जो ब्लड मिल रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वीनस हार्ट। कैसा हार्ट बोलते हैं, वीनस हार्ट। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ आ रही है बात, वीनस हार्ट? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो यहां मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक एम्फीबियन का हार्ट और एक रेप्टाइल का हार्ट। एम्फीबियन और रेप्टाइल के हार्ट में एक माइनर सा डिफरेंस है कि यहाँ पर रेप्टाइल्स के अंदर सेप्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। होता ये कितना है, थ्री चेम्बर्ड ही होता है लेकिन सेप्टम पूरी तरह से नहीं बना है, ठीक है। yes. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो लंग से लेफ्ट ऑरिकल ब्लड जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल से आ रहा है वो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पंपिंग हुई बॉडी में, बॉडी से वापस ब्लड गया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से वापस गया सेम वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल से चला गया टू दी लंग्स, चला गया। yes, sir. अब यहां पर क्या हो रहा है, एक फिनोमिना तुमने ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तुम लोग, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से, मतलब लेफ्ट से आया प्योर ब्लड, राइट से आया इम्प्योर ब्लड, लेकिन
जा कहाँ रहे हैं दोनों? सेम में, एक ही सेम वेंट्रिकल में, यानी यहाँ पर ब्लड की क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई। अब मिक्सिंग एम्फीबियंस में ज्यादा होगी कि रेप्टाइल्स में ज्यादा होगी? रेप्टाइल्स। सोचो, रेप्टाइल्स के हार्ट के अंदर एक सेप्टम है जो पूरी तरह से नहीं बना, एम्फीबियम में ज्यादा, लेकिन एम्फीबियंस में तो सेप्टम ही नहीं है, तो ज्यादा मिक्सिंग कहाँ होगी? एम्फीबियम। समझ आ रही है बात? दिस इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्लियर है? Yes, ठीक है, आपका जो लेफ्ट साइड है वो प्योर ब्लड लेकर जाता है और राइट साइड जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। पढ़ा हुआ है? Yes, sir. चल तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।